रीजनिंग की ट्रिकी रीजनिंग पढ़ेंगे और ये पूरी तरह से कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत करेंगे और पूरी तरह से ट्रिकी पढ़ेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं जिनकी संख्या 26 होती है। इन सभी अल्फाबेटों को याद करना हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और हम ये प्रयास करेंगे कि आज हम चुटकियों में आसानी से याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और आप अगर हमारे साथ रहेंगे तो आप भी ये जान जाएंगे कि कैसे इसे सभी अल्फाबेट को याद करना है, किस नंबर पे कौन सा अक्षर अंग्रेजी का आएगा, क्योंकि यह जब तक आपको याद नहीं होगा आपको किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अपना बेहतर देना, अपना बेस्ट स्कोर देने में सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आज अपनी एक ट्रिक लेकर आए हैं, उस ट्रिक से 2600 अल्फाबेट को आसानी से याद कर सकते हैं। एक तो किताबों में आपको मिल जाता है ई जो टी, माने ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे, लेकिन हम उससे बेहतर ट्रिक आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले ए का आपको पता होगा, बी का, सी का, डी का, ई तक पता है। हम शुरू करते हैं यप से। यप कितने पे आता है? तो आप सीधी सी पहले कह देंगे, सर हमें तो यप पता है, यप कितने पे आएगा? 6 पे आएगा। देखिए 6 जैसा देखने में भी लगता है, यप 6 आता है, लेकिन अगर इसी यप को हम क्या करें, डब्बे में पैक कर दें, मतलब यहाँ पे एक लाइन खींच दिए तो कैसा हो गया, 6 के पहले एक लाइन खींच दिया तो ये 16 हो गया, माने यप पे 6 और पी पे 16 हो गया। ध्यान दीजिएगा, यप कहाँ पे? 6 पे, और पी कहाँ पे है? 16 पे। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यप के बाद किस पे आएंगे? जी पे आएंगे। जी माने सी के पेट में छुरा भोंक दिया। हम क्या करेंगे यहाँ पे, किस अंक में छुरा भोंकते हैं पेट में? 7 में, तो जी का क्या? 7। अच्छा, जी के बाद डब्बा पूरा पैक कर दिया, पूरा डब्बा पैक कर दिया, कितना हो गया? क्यू, और क्यू कितने पे होगा? 17 पे। क्यू कितने पे आएगा? 17 पे आएगा। क्यू कितने पे? 17 पे। अच्छा एक बात, दूसरी बात, क्यू तो हो गया 17 पे, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यप जी, यच आया, यच कैसा दिखता है? 8 जैसा। ध्यान दीजिएगा, ये बना है हमारा यच, क्या है यच? यच कैसा दिख रहा है? 8 की तरह। ये क्या हो गया? यच किस पे है? 8 पे। किस पर है? 8 पे। कॉन्सेप्ट क्लियर, यच किस पे है? 8 पर। यच फॉर हैन, हैन मानी मुर्गी, 8 पर। और यच को क्या करेंगे, ऐसे देखिए पैक करेंगे, आर को 18 हो गया, आर कितने पे होगा? 18 पे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी को शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो सभी के पास पहुंच जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इनलाइन भी दुर्गेश साथ जरूर जुड़िएगा। यच हो गया 8 पर, आर हो गया 18 पे। अब यच के बाद आई, आई माई रे, आई माने 9, 9 माने देखिए आई में 9 आता है, और आई को खूब मरोड़ दीजिए तो सांप की तरह हो जाएगा। किसकी तरह? सांप की तरह। अब ये देखिए यस, और यस किस पर हो गया? 19। यस किस पे है? यस मतलब 19। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, यह हो गया, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो 6306344367। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये मिटाइज को स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा और सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह सभी भर्ती परीक्षाओं की रीढ़ की हड्डी होती है। अब आगे आते हैं, अब हम पहुंचते हैं जे फॉर जग। ये हो गया जे, तो जे कितने पे है? 10 पर। जे के बाद आता है टी फॉर 2020 मैच, 20 किस पर है? देखिए टी फॉर 2020 मैच, क्रिकेट। ठीक, अब आते हैं, जे हो गया, अब आते हैं के। देखिए के दो टांग है, कितने टांग? दो टांग। दो टांग माने 11, दो टांग माने 11, दो टांग 11। अच्छा, के को क्या करेंगे? अब इसको टांग को पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? वी, और वी माने 11 दो नहीं है 22। अच्छा, इसके टांग को पतला कर देंगे तो ये हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा? यू, और यू माने तुम, और तुम माने 21। ठीक, यू माने तुम, और तुम माने 21। क्लियर हुआ? तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, फिर अब आगे आते हैं यल। यल माने कल, कल माने 12, यल माने कल, और कल माने 12। कॉन्सेप्ट क्लियर, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम और आगे बढ़ सके, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ये आसान ट्रिक है, इसलिए इस वीडियो को सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक, ताकि सभी साथियों तक पहुंच सके। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ रहे हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं अब क्या करना है। देखिए कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? यल पहुँचे थे, अब आते हैं यम।
यम फॉर मैंगो, मैंगो माने तेरह। यम कितने पे, देखिए यम किसकी तरह तीन की तरह मुड़ता है, किसकी तरह तीन माने तेरह। यम को पलट देंगे, टांगों पर कर दिया, टांगों पर कर दिया तो डब्लू हो गया, और डब्लू हो गया तो तेईस हो गया, डब्लू हो गया तो मतलब तेईस हो गया। और हमें जानते हैं राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 103 से, राज्यपाल का अध्यादेश 213 से, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक, राष्ट्रपति के अध्यादेश 123, राज्यपाल का अध्यादेश 213, अनुच्छेद भी आपको साथ में याद होता चले। ठीक, आगे बढ़े, सभी को शेयर भी कर दीजिएगा, सभी साथियों को अपने। ये हो गया यम, ये हो गया डब्लू, यन हो गया, यम के बाद यन, यन के नाक में देख रहे हैं, यन के नाक में छेद है तो क्या करेंगे, चार के नाक में छेद है 14, ओ, ओ का होगा 15, ओ माने 15, बाकी आपको याद है। ठीक, फिर हम जानते हैं यक्ष माने 24, वाई माने 25, जेड माने 26, जेड माने 26। ठीक, यहां तक समस्या सॉल्व हो गई, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ उल्टा अल्फाबेट भी आपको याद करना होता है, कैसे उसकी भी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। एक बात, आप लोग ऑनलाइन क्लास की जानकारी के लिए आप सबसे पहला काम क्या करिएगा, आप सर्च करिएगा बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर। जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इलेनी भी दुर्गेश जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम में इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और इलेनी भी दुर्गेश से जुड़ जाइएगा। फेसबुक पेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह, अब खुद का मेरा एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर, इलेनी भी दुर्गेश। या हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उल्टा भी पूछता है, जब उल्टा याद करना है तो उसका भी एक ट्रिक है। जैसे किसी भी संख्या को 27 में से घटा देंगे, उल्टा नंबर प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर आपको पी का ज्ञात करना है तो हमें जानते हैं पी कितने पे, 16 पे, उल्टे कितने पर है, उल्टे 27 में से 16 गया, 11 है, देख लीजिएगा पी कहाँ पे, यहाँ पे 16, इधर से 11, क्योंकि उल्टा भी तो याद करना है। क्यों याद करें, क्यों टाइम बर्बाद करें, एक ट्रिक याद कर लेते। जैसे 1 2 3 4 5 6 है, जैसे टी, तो टी हम जानते हैं किधर है, अगर सीधा गिनेंगे तो 20 पर, टी कितने पे 20 पे, और 27 में से 20 गया, कितना बचा 7, माने टी कितना है उल्टे पर 7 है। ठीक, अच्छा किसी ने पूछा यच, तो यच हम जानते हैं, यच कितने पे 8 पे, 27 में से 8 गया 19, देख लेते हैं 19 पे कहाँ है, 19 पे यच है। ठीक, अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं, क्यों, क्यों देखिए, क्यों माने पेट में छुरा, छुरा माने 17, 27 में से 17 गया 10, भैया 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि 27 एक छोटा सा हमारा ट्रिक हो गया। ठीक, किसी भी अंक, किसी भी अक्षर का अगर हमें क्या निकालना होगा, उसका विपरीत उल्टा निकालना होगा, 27 में से घटा देंगे के का। अच्छा, इन्होंने पूछा के का, तो देखिए ये हो गया के कितने पे, 11 पे, 27 में से 11 गया 26, सॉरी 16 कहां, यहां पे के हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। यम का, यम देख लीजिए, यम इधर से 13 पे, 27 में से 13 गया 14, 14 पे यम है, माने किसी का बाकी का आप याद कर लीजिएगा, ताकि आपको भी समझ में आ जाए हाँ दुर्गेश सर सही कह रहे हैं या नहीं। किसी का अगर आपको सीधा नंबर याद है तो उल्टा याद करना एकदम आसान, केवल 27 में से घटा देंगे, आपको उल्टा याद हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। मिटाइस को एक बात और हम आपको बता दें, इस देखिए ऑनलाइन क्लास के लिए, व्हाट्सएप के लिए 7355, ये दुर्गेश सर सर्च करेंगे, इलेनी दुर्गेश से टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। अच्छा एक बात याद, जैसे अगर ABCD अगर हम लोग पढ़ते हैं, इसमें अल्फाबेट 26 है, 26 है, लेकिन 21 कंसोनेंट है, 5 वॉवेल है, क्या है, 21 कंसोनेंट, 5 वॉवेल है। अच्छा वॉवेल कितने हैं वो देख लेते हैं, जो बचे इनको कंसोनेंट, देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, इसका याद ये हो गया 1 पे 5 पे 9 पे 15 पे 21। अच्छा यू आकार की घाटी कौन बनाता है, हिमनद, और भी आकार की नदियां, नदी भी बनाएंगे, यू कर देंगे चौड़ा, माने हिमनद। यू आकार घाटी कौन बनाता है, हिमनद, और भी आकार की नदियां। ठीक है आगे आते हैं, अच्छा गार्ज कौन बनाता है, गार्ज या कैनियन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अच्छा ये बताइएगा, यस उल्टे पे किस नंबर पर आता है, यस उल्टा करने पे किस नंबर पर आता है, नीचे से गणना करने पे किस नंबर पर आता है, ए कितने पे आता है, 27 में से 1 गया 26, ई का
27 में से 5 गया 22, 9 माने 18, ओ 12 पे 21, यू 26। तो ये नीचे का याद करना, ये यू पे कर, ऊपर का याद कर। एक बात ध्यान रखिएगा, यदि ABCD अगर हम लोग कहीं पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गया ये, अगर कोई वक्राकार है या कोई क्रम से बैठाना है, हमने शुरू किया ए से, ABC डॉट 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 शुरू किया, यहाँ पे आ गया जेड, जेड के बाद फिर ए से शुरू करेंगे, ABC फिर जेड आ गया, फिर ABC, मतलब यह क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे जेड खत्म हो गया, फिर यहाँ से ABCD क्रमशः बढ़ता जाएगा। जैसे कह दिया 29 माने 26 पे तो खत्म, तो उसके बाद क्या करेंगे, 27, 28, 29 माने सी, कुछ नहीं करेंगे, 29 को 26 से घटा देंगे, जितना बचेगा उसका क्या करेंगे, 3, 3 माने सी, और 29 से ज़्यादा है, 26 का गुणज है, 26 का गुणज घटा देंगे, जो बचेगा जिस नंबर पे होगा उसका सीधा नंबर, 27 से घटा देंगे उल्टा नंबर। जैसे कह दिया 35 क्या करेंगे, 35 में से 26 घटा दिया, बचा कितना 9 माने आई, ठीक, आई सीधा 27 में से 9 घटा दिया, फिर 18 माने उल्टा और सीधा दोनों आपको ज्ञात हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, रीजनिंग के इन सभी अल्फाबेट को आसानी से तैयार कर लेंगे, आसानी से याद कर लेंगे, जो आपके सही परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, क्रम से आपको वीडियोज लगातार मिलती रहेंगी, आप खुद भी देखिएगा और अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो लिंक को अपने सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे और हर एक जगह, और ऑनलाइन क्लासेज हमारे उपलब्ध है, ऑनलाइन नोट्स उपलब्ध है, उसका नंबर आपको दिया गया, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, इलेन पे दुर्गेश से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि लाइव वीडियो आपको तभी मिल पाएगी जब हमारे टेलीग्राम पे होंगे, क्योंकि कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।